गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आभा टेरिस गार्डन। आज मैं आपको अनार के विषय में बताने जा रही हूँ। ये मेरा अनार का पौधा 1.5 साल पुराना है। इसमें खूब अनार लगे हैं और इसमें खूब अनार लग भी चुके हैं। चाहे हमने एक भी अनार नहीं खाया, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ बहुत वानर सेना आती है, बहुत आते हैं, पर मैं अनार के विषय में आपको बता देती, मतलब जानकारी मैं आपको देती हूँ। मेरे पास अनार के ये भी 1.5 साल पुराना है और ये वाला प्लांट भी 1.5 साल पुराना है अनार का। इसमें खूब इस साल अनार लगे थे, अभी लास्ट मंथ तो बहुत अनार थे इसमें, पर हमने खा नहीं पाए। जो वानर देवता जी खा के छोड़ जाते हैं तो मुझे दिखता है, हालांकि पूरे वो पके नहीं होते, अभी ग्रीन ही होते हैं, थोड़े आधे रेड होते हैं, तो पूरे रेड उसमें से निकलते हैं बीज और खूब फिर दोबारा रेड बीज मैं देखती हूँ उनके, जो नीचे फेंक कर जाते हैं वो। अब फिर इनमें खूब फूल फल फल रहे हैं खूब, तो मैंने कहा जानकारी तो मैं आपको दे सकती हूँ कि कैसे इतने इसमें आ रहे हैं फूल फल। इसमें अनार का जो ये पौधा जब मैं लाई थी छोटा सा था, इतना सा बस था, इतना सा। अब देखिए उसकी टहनी कितनी मोटी हो चुकी है, कितना बढ़िया वो बन चुका है। और अब मैंने पहले छोटे से पहले इतने गमले में, छोटे गमले में लगाया था, अब मैंने उसको बड़े ड्रम में शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें बड़े अच्छे फल आ रहे हैं, 1 मंथ बाद फिर खूब खूब फूल फल आ गए हैं। और इनकी क्या, इसमें मादा और नर दोनों तरह के फूल होते हैं। और ये इनका दोनों का ये होता है, ये वॉल्व वो है जिसमें आगे पीछे होता है, वो दो नर मादा उसमें दोनों होते हैं। इसमें दो तरह के हैं, जिसके पीछे जैसे ये है, ये मादा है, ये झड़ जाएगा लगने के बाद, सॉरी ये नर है, ये झड़ जाएगा, मेल फूल है ये झड़ जाएगा, और जो ये मादा है ये उसके पीछे से गोल बना होता है वो लगा रहेगा। मैं भी आपको भाई बड़े सारे फूल हैं मादा दिखाती हूँ, ये देखिए ये मादा है, इसके पीछे से गोल सा बन रहा है, ये मादा है, मतलब फीमेल फूल फ्लावर है, तो ये इस पर फल देगा। बाकी जो नर है वो झड़ जाएंगे, और एक नर और मादा दोनों होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो आगे पीछे से छोटा सा ऐसे होता है, जो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इससे अभी दूसरे पेड़ में मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए ये इसमें नर और मादा दोनों का है, ये सब झड़ जाएंगे। जो मादा है वो फीमेल फ्लावर है वो लगा रहेगा, उसमें फूल आएगा, वो अनार बनेगा, और जो नर है वो झड़ जाएगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ, इसकी ये झड़ा भी, वो देखिए नीचे गिर भी गए हैं, जो मेल फ्लावर्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो फीमेल है वो लग जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने ना इनके लिए पॉलिनेशन के लिए मैंने खूब सारे यहाँ फ्लावर भी लगाए हुए हैं। मेरा दो तरह मेरे छत में पूछ सब तरह का है, मैंने फूल भी लगाए हैं, फल भी लगाए हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, तो इनकी पॉलिनेशन तो होती ही रहती है। ये हाइब्रिड प्लांट है, एक ये छोटा सा भी है, बहुत छोटा, इसमें भी आते हैं अनार, इतने छोटे प्लांट में, इतने छोटे गमले में मेरे अनार आते हैं। अब बहुत फूल फिर आ गए हैं तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं सब। और इनकी देखभाल क्या है, बहुत इजी, कुछ खास देखभाल नहीं है। सब बहुत लोग बहुत कॉपी डालिए, बड़ा कुछ बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ ही सिंपलिसिटी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला हाल है कि सिंपल ही है, सब कुछ करना ही नहीं है। ये मेरा जो प्लांट है ना, ये देखिए कितना फैल गया, ये देखिए इसको क्या था, ये मैं आपको बता रही, देखिए कैसे फैला हुआ, क्या फूल इसमें आए हैं, और इस बार इसमें फल लगेंगे। इसमें अब तक जितने फूल आए थे झड़ गए थे, पर इसको मैं बताती हूँ ये लगा कैसे। ये मेरे वो जो किचन का वेस्ट था ना, उनके बीजों में से लगा, अपने आप लगाया, कैसे अब कितना लदा हुआ फूलों से, और ये 1 साल में इसने फल भी देने शुरू कर दिए हैं। तो ये भी उसी के साथ लगा, इसमें फल नहीं, छोटा रह गया, ये थोड़ी देर बाद अपने आप लगा था, ये तो
इसको एक साल हो गया। इसकी टहनियाँ भी अभी नीचे से छोटी हैं, पर ये फूल फल दोनों देने लग गया है। इसमें अभी तक जो फल आती है, देखिए नीचे से इसका मोटा तना मोटा नहीं है, अभी ये बच्चा ही है, मेरे उनसे लगाई है। एक साल में इसमें फल आने लग गए हैं। इनकी कोई देखभाल इतनी नहीं है, धूप में इनको रखना चाहिए, बिल्कुल जो छत पे हमारी छत टेरिस पे है, तो जितनी धूप आए उतनी ही अनार के लिए अच्छी है। और जब इनमें फूल आ रहे हो इनको थोड़ा हल्का पानी देना चाहिए, और बारिश में अपने आप फूल के जितना भी पानी चला जाए कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आजकल हमारे बहुत बारिश हो रही है, तो कोई जितना भी पानी आ जाए कोई फ़र्क नहीं है इसमें, बारिश का पानी बहुत बढ़िया है सब पौधों के लिए। इनकी देखभाल क्या है, मैं किचन वेस्ट डालती हूँ, क्योंकि मेरे मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ कि मेरी किचन वेस्ट बन रही होती है, जो मैं इनमें फल डालती हूँ गोबर, क्योंकि गोबर मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ, इसमें गोबर की खाद पड़ी हुई है, कॉर्डंग जिसको बोलते हैं सब पड़ी है। और मैं बनाना पील डालती हूँ, मेरा बनाना पील बनता ही रहता है, जो कि मैं इनमें बनाना पील डालती हूँ। मैं आपको इसलिए नहीं अनार दिखा पा रही हूँ, क्योंकि सब मैंने आपको बोला वानर देवता जी सारे खा जाते हैं हमारे अनार, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं क्या क्या मेरे में कैसे मेरे आता है। और सिंपल मैं कोई बहुत ज़्यादा सेवा नहीं करती हूँ, काउडंग घर का वेस्ट किचन वेस्ट और बनाना पील, बनाना पील तो वरदान है इनके लिए अनार के लिए। तो यही जानकारी मैंने आपने देखी, कितनी सिंपल, कुछ भी मैं इनसे ज़्यादा सेवा नहीं करती हूँ, और हल जब फूल आ रहे होते हल्का पानी, बारिश का पानी तो मैंने बोला ही वरदान है, ये सब मैं देते रहते हम, और खूब फल आ रहे हैं। ये छोटे से पेड़ में ही इतने फल आ जाते हैं, इसमें पांच थे, पांच उसमें थे, इसमें दो थे, पर मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं दिखा नहीं पाई, मैं आपको मुझे था कि पूरे बन जाए फिर दिखाऊंगी, पर वो बचते ही नहीं, तो मैंने सोचा जैसे शुरुआत हो रही है जो हो रही है मैं क्या देती हूँ, मैं क्या खाद दे रही हूँ, मैं आपको यही इसी की जानकारी दे देती हूँ। मैंने बहुत कुछ किया है वानर देवता के लिए, पर हमारे बचता नहीं कोई भी फूल और फल। मैंने अमरूद की भी आपको जानकारी दी थी, पर मुझे उसकी भी उम्मीद कम है कि वो बचेंगे। चलो ओके फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी, सिंपल जानकारी कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना, कि टेरिस पे छोटे ड्रम में छोटे से इसमें, ये देखिए इसमें भी फल है, इतना समय लगा हुआ है गमले में, इतने छोटे गमले में लगा, इसमें भी अगर फल आ सकते हैं तो अनार हमारा कहीं भी खिल सकता है, बस उसको धूप चाहिए और थोड़ी सेवा चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं ज़रूर बताना। ओके बाय, फिर मिलते हैं।